में नागरी विकास कार्यों का शुभारंभ, रूपाली भगत की पहल पर सड़कों की होगी मरम्मत। सानपाड़ा प्रभाग 78 में दिवाली से पहले नागरिकों को विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। स्थानीय नगर सेविका रूपाली निशान भगत की पहल पर सेक्टर 16, सेक्टर 16A तथा 17 एवं 18-19 में सड़कों के डांबरीकरण का शुभारंभ किया गया। बीजेपी युवा नेता निशान भगत ने बताया कि बारिश और लॉकडाउन के कारण सड़कों का काम अधूरा पड़ा था। उन्होंने कहा कि मनपा प्रशासन से हमने डांबरीकरण और दुर्घटना रोकने स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की थी, जो अब पूरी हो गई है। दीड वर्ष अगोदर पासून या कामाचा आम्ही पाठपुरावा करत होतो, परंतु निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे जे लॉकडाऊन जाहीर झालं, जो कोरोनाचा प्रकोप आलं आणि त्याच्यामुळे हे काम थांबून होतं। महासभेमध्ये मंजूर झालेलं काम वर्कऑर्डर झालेलं होतं, नवे तर नेमकं वर्कऑर्डर मिळणार आणि त्याच दरम्यान लॉकडाऊन जाहीर झालं आणि त्याच दरम्यान परत पाऊस चालू झालं आणि म्हणून तब्बल 7 महिने हे काम थांबून होतं आणि म्हणून नाईक साहेबांसोबत जाऊन माननीय श्री दशरथ भगत साहेब आणि नगरसेविका रूपाली भगत यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आयुक्तांकडे वारंवार मागणी केल्यानंतर आज या कामाचं उद्घाटन या ठिकाणी झालेलं आहे। बता दे की प्रभाग 78 में स्थानीय नगरसेविका रूपाली निशान भगत की पहल पर लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। जन समस्याओं के समाधान की दिशा में काम चल रहे हैं। नागरिकों ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि सड़कों की मरम्मत से जहां दुर्घटनाएं रुकेंगी, वहीं बदहाल रोड से फैल रहे प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। स्पेशल डेस्क TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।